मोदी के ना के आगे नीतीश कुमार का हां भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। पुरुषोत्तम के साथ बड़ा अपडेट लेकर के सामने आया हूं। बिहार के सियासी गलियारों में बड़ी हलचल है। मैंने आपको बताया कि मोदी के ना के आगे नीतीश कुमार का हां भारी। देखिए, नीतीश कुमार को आप इग्नोर करके ज्यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। नीतीश कुमार की बात तो माननी ही पड़ती है। अब देखिए कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार की जो शुरू से मांग रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव, जो समय अवधि है बिहार विधानसभा के चुनाव होने का, उससे पहले कराया जाए। देखिए, नीतीश कुमार बहुत दूर तक सोचते हैं, और नीतीश कुमार की ये मांग तब से है जब से उन्होंने आरजेडी गठबंधन से किनारा किया है, यानी जब से वो भाजपा के साथ आए हैं उनकी यही मांग रही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले कराया जाए। क्यों कराया जाए, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपने देखा कि एक लंबा समय हो गया, अभी तक उनके मांग पर किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई, किसी तरह का कुछ एक्शन होते सामने नहीं आया। लेकिन अभी अभी एक तस्वीर सामने आई, सोचा आपको मैं बता दूं। देखिए, संजय झा जदयू कार्यकारिणी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी का अपडेट है। कल संजय झा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और वहीं दूसरी तरफ कल ही पटना लौटे थे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी अभी बने हैं, दिलीप जायसवाल जी। और कल ही शाम को 5 बजे उनका फोन टनटनाता है, उनका फोन बजता है, और वो फिर आनन फानन में दिल्ली पहुंच जाते हैं। कारण क्या है? क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होने वाला है वो 2024 में ही हो जाएगा? तो ये एक बड़ी संभावना दिख रही है। तस्वीर के जो मायने सामने आ रहे हैं, अंदर से जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रहे हैं, और हमारे जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमें ये बता रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कर लीजिए, पेटी बांध लीजिए, अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि चुनाव की तैयारी करना जरूरी हो गया है। क्योंकि लगभग तय हो चुका है, 99% समझ के चलिए कि ये तय है। हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा हमें यह जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2024 में ही कराया जाएगा। अब देखिए, इसके पीछे कई कारण है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2024 में ही नीतीश कुमार क्यों कराना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण इस समय ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का गठन होने जा रहा है 2 अक्टूबर को, और प्रशांत किशोर की तैयारी जबरदस्त है, और प्रशांत किशोर से कोई बाकी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो, सबने उनको जाना है, सबने उनको पहचाना है, और उनके काम करने के तरीकों से सबको ही वाकिफ है। तो फिर क्या प्रशांत किशोर की तैयारी से भाजपा और जदयू डर गई है? यह तो बात की बात है। प्रशांत किशोर की तैयारी कितना इफेक्टिव है नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जो जन सुराज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उससे जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और हम जैसे लोग हैं, वो ये तो समझ रहे हैं कि तैयारी भैया जबरदस्त है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, सभी सीटों पर प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और मान लीजिए कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अगर 25, 30, 40, 45, 50 सीट प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, तो बिहार का जो राजनीति है उसका मायने बदल जाएगा। बिहार की जो राजनीति है उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बिहार की जो राजनीति है उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका सामने आने लगेगी। तो प्रशांत किशोर का अभी अभी जो बापू सभागार पटना में कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम की इतनी चर्चा हो रही है, कर्पूरी ठाकुर की पोती के साथ साथ आईएएस अधिकारी और तमाम बड़े बड़े लोग जिस तरह से पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, यानी पार्टी तो अभी बनी नहीं है, वो 2 अक्टूबर को बन जाएगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि पार्टी बनेगी। और जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है कि हम महिलाओं को टिकट देंगे, मुसलमानों को टिकट देंगे, तो महिलाओं को टिकट देने की बात है, तो देखिए महिलाओं को सबसे बिहार में किसी ने मजबूत किया है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, आरक्षण दिया है, घर से बाहर पढ़ने को निकाला है, तो वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि हम इतने महिलाओं को टिकट देंगे, इतने परसेंट महिलाओं को टिकट देंगे, और दूसरी तरफ
70 से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों को चुनाव लड़ाएंगे, तो मुसलमान किसके वोट बैंक रहे हुए हैं, कोर वोट बैंक, तो ये भी आपको पता है कि मुसलमान आरजेडी के कोर वोट बैंक रहे हुए हैं। तो नीतीश कुमार और यानी जदयू और आरजेडी को सामने से वार करते हुए प्रशांत किशोर नज़र आ रहे हैं। वहीं जदयू को भी भनक लग गई है और भाजपा को भी समझ में आने लगी है कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जो राजनीतिक तैयारी है, अगर समय दे दिया गया यानी 2024 में चुनाव नहीं कराया गया तो 2025 तक प्रशांत किशोर और मजबूत हो जाएंगे, फिर हम लोगों को बड़ी परेशानी होगी। तो ये बात तो नीतीश कुमार को शुरू से समझ में आ रही है। अब हमें लगता है कि ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आने लगे, इसीलिए आनंद फानंद में दिलीप जायसवाल को फिर से दिल्ली बुलाया गया है और संजय झा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 2025 का विधानसभा चुनाव शिफ्ट होकर कहीं 2024 में ही ना हो जाए, यानी कि जिस तरह से झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उसी के साथ साथ कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव ही ना हो जाए। अब देखिए, आगामी 4 तारीख को भी बापू सभागार में प्रशांत किशोर का बैठक है और प्रशांत किशोर की जो बार बार बैठक हो रही है और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से क्लब बनाया है, प्रशांत किशोर जिस तरह से लोगों के बीच में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से प्रशांत किशोर को तो फायदा है, लेकिन वहीं जदयू को डर हो गया है, भाजपा को डर हो गया है, आरजेडी को डर हो गया है कि बिहार में ये जो नया मोर्चा तैयार हो रहा है, ये जो नया दल तैयार हो रहा है, अगर इसने 25-30-40 सीट जीत ली तो फिर हमारा क्या होगा, फिर ये बिहार के जो कोर पॉलिटिक्स है उसमें प्रशांत किशोर इन्वॉल्व हो जाएंगे और बिहार का क्या आगे का सिनेरियो तैयार होगा उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रहेगी। तो जदयू के तरफ से बार बार ये डिमांड किया जा रहा है, नीतीश कुमार की मांग तो ये शुरू से रही है। जो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बताते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने समय अवधि, जब समय पूरा हो रहा है उससे पहले कराया जाए और इस पर अब विराम लगते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब ये सामने आने लगा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो न हो 2024 में ही हो जाए। तो ये बड़ा अपडेट था कि 2024 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लगभग तय होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो। और प्रशांत किशोर के कार्यशैली से तो सब लोग प्रभावित हैं, सब लोग जानते हैं, और प्रशांत किशोर को इतना लंबा टेन्योर मिल जाए तो इसीलिए 2024 में चुनाव कराया जा रहा है कि आनंद फानंद में चुनाव होगी तो वो जदयू का अपना वोट बैंक है, जदयू के अपने अध्यक्ष हैं, जदयू के जिले वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, भाजपा के भी उसी तरह से हैं, पन्ना प्रमुख हैं। तो अभी प्रशांत किशोर की तो इतनी बड़ी तैयारी हुई नहीं है, तो आनंद फानंद में चुनाव होगी तो प्रशांत किशोर डैमेज हो जाएंगे और प्रशांत किशोर को कोई फायदा नहीं होगा और फिर से ये लोग चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंसते हुए नजर आ रहा है और वो बड़ा पेच ये है कि क्या भाजपा 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ती है तो प्रशांत किशोर की जो तैयारी है उससे तो भाजपा को फायदा होगा ही होगा। तो ये अभी समय के गर्भ में है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन 2024 में देखिए, नीतीश कुमार की बात तो माननी होगी, माननी इसलिए होगी कि नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और 12 सांसद अगर नहीं टूटते और 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ बने रहते हैं तो नीतीश कुमार की बात तो माननी पड़ेगी। अगर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, केंद्र की सरकार में से अपनी भूमिका गायब कर ली, तो फिर सिर्फ और सिर्फ नज़र इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का किसके ऊपर रहेगा? तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर रहेगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश होगी, तोड़ने की कोशिश होगी। तो इससे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एनडीए की सरकार है, वो कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन और जो विपक्ष मजबूत तरीके से वार कर रहा है उससे खुद परेशान है। तो इस ऐसी स्थिति में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है इंडिया में, भारत में, यानी कि दिल्ली की जो सरकार है, वो अब किसी एंगल से अपने आप को कमज़ोर होना और कमज़ोर करना नहीं चाहेगी, इसलिए नीतीश कुमार की बात तो हमें लगता है कि ज़रूर मानेगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। ये बड़ा अपडेट था, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।